कम से कम अपने माता पिता को इतना खुश रखो, इतना खुश रखो कि माता पिता हर जन्म उसी बच्चे की कामना करें। उनके जीवन का जो अंतिम क्षण होगा तो उनके मन से निकलना चाहिए कि वाह यार, जीवन जीने का ना मजा आ गया। संसार की हर माता खुशहाली का जीवन जिए, संसार की हर माता जो है वो एक संस्कारवान बच्चा पाए। हैप्पी मदर डे टू एवरी मदर ऑफ दिस वर्ल्ड। आज के दिन जो है वो वर्ष भर में माता को समर्पित किया हुआ दिन है। अब पूरी दुनिया में लोग जो है आज मदर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन वैसे एक दिन बहुत कम है, क्योंकि अगर मैं माँ की बात करूँ तो माँ एक जननी है जिसके आशीर्वाद से, जिसके पालन पोषण से हम अपने जीवन में समर्थ्यवान बनते हैं, संस्कारवान बनते हैं और हमें जीवन में कुछ बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। अक्सर जब हम छोटे होते हैं तो माता पिता से हमें ना बहुत लगाव होता है, हमें माता पिता की रोक टोक अच्छी लगती है, उनका गुस्सा अच्छा लगता है और उनके बिना हम कहीं भी जाना पसंद नहीं करते। लेकिन जब परिस्थितियाँ उल्ट होती हैं और वही बच्चे जब समर्थ्यवान हो जाते हैं, आत्मनिर्भर हो जाते हैं और शादीशुदा हो जाते हैं तो बहुत सारा व्यवहार जो है बदल जाता है। और अक्सर मैंने देखा है और आप लोगों ने भी देखा होगा। और माता पिता की जो कदर है वो धीरे 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 कम होना शुरू हो जाती है। अक्सर सोसाइटी में ऐसा हो रहा है। एक ऐसा वर्ग भी है जो अपने माता पिता की बहुत अदब करता है, बहुत सेवा करता है, बहुत सेवा भाव से देखता है। एक ऐसा वर्ग है जो थोड़ा कम सेवा भाव से देखता है। लेकिन एक ऐसा वर्ग भी दोस्तों आज हमारे समाज में है जो माता पिता का निरादर बुरी तरह से कर रहे हैं और उनके माता पिता आज वृद्धाश्रम में अपना जीवन यापन कर रहे हैं या घर में भी हैं तो परदेशियों की तरह रह रहे हैं। आज उनको माता पिता की हर बात बुरी लगती है, उनकी रोक टोक बुरी लगती है, उनका गुस्सा बुरा लगता है, उनका आपके जीवन में हस्तक्षेप बुरा लगता है, हर बात बुरी लगती है। लेकिन सोचो कि किसी भी माँ ने शायद अपने बच्चे की परवरिश में कभी किसी प्रकार की कंजूसी नहीं की होगी। जितना उनके पास होता है उससे ज़्यादा देने की कोशिश उन्होंने की है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो जितना उसके पास होता है उससे भी कम देने की कोशिश करता है। तो आज मदर डे है, सेलिब्रेट करें, खूब सेलिब्रेट करें, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो माता को एक समर्पण चाहिए, हर दिन चाहिए, उस समर्पण को देने की प्रतिज्ञा भी हमें लेनी होगी। कम से कम अपने माता पिता को इतना खुश रखो, इतना खुश रखो कि माता पिता हर जन्म उसी बच्चे की कामना करें और उनके जीवन का जो अंतिम क्षण होगा तो उनके मन से निकलना चाहिए कि वाह यार, जीवन जीने का ना मजा आ गया, मजा आ गया। और ऐसा बच्चा पाकर मैं धन्य हो गया या धन्य होगी। तो डियर फ्रेंड्स, मैं यही कामना करता हूं कि संसार की हर माता खुशहाली का जीवन जिए, संसार की हर माता जो है वो एक संस्कारवान बच्चा पाए और हर बच्चा जो है अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए, अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करते हुए और अपने माता पिता के प्रति जो उनका आकर्षण है, उनका जो समर्पण है वो हमेशा बना रहे। इन्हीं दुआओं के साथ आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तेरे होते किसका डर, तू दुआओं का है घर।